नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं। तो डिस्कशन करते हैं आज के महत्वपूर्ण एडिटोरियल की, जहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अर्थ का एक पिक्चर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको साफ क्लियर कट जो इन्फॉर्मेशन है उस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन, पैसिफिक रीजन ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं उसकी डिटेल में डिस्कशन में आपसे डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो वहाँ पे मैप है मैं दिखा दूंगा आपको। तो एक ये रीजन है, ये अपना है पैसिफिक ओशन वाला रीजन, ये है इंडियन ओशन, हिंद महासागर और पैसिफिक महासागर, और इन दोनों को मिला के इंडो पैसिफिक रीजन, पूरा मेन बॉडी जो आप ये रेड लाइन से देख रहे हैं उसमें। और सिर्फ हम पैसिफिक रीजन वाली बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी कंट्रियाँ हैं जो उस एरिया में अपना कार्य करती हैं। हालांकि इस टॉपिक को हमने कई बार कई तरीके से डिस्कस किया हुआ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ये साउथ चाइना सी में, जहाँ पे चाइना ने अपने से मैन्युअली 9 डेज लाइन बनाया है, और उस रीजन में जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी इंटरनेशनल सी बाउंड्री है वहाँ पे, जो कोस्टल एरिया को बेस लाइन गिने, तो ये अपना भारत है, तो भारत की कोस्टल एरिया, तो यहाँ से जो 200 नॉटिकल माइल जितनी जो जगह रहेगी ठीक है, इतना एरिया रहेगा, इतना सी एरिया रहता है भारत का। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे चाइना ने ये जो ये सारे आप देख सकते हैं कंट्री है, और एक बार इस एरिया को भी 200 नॉटिकल माइल्स की वजह अपने से ही 9 डेज लाइन ड्रॉ करके इस एरिया को हथियाने का काम किया है। उसका रीजन क्या है वो मैं डिटेल में डिस्कस, पहले कंट्री देख लेते हैं, भारत से शुरुआत करते हैं ठीक है। सबसे प्यारा भारत हमारा, पहले भारत से शुरू करते हैं। पहले भारत, फिर यहाँ पे है बांग्लादेश आप देख सकते हैं, फिर आपको पता ही होगा नेपाल भूटान इस एरिया में होगा, ऊपर चाइना है, ये बांग्लादेश है। उसी तरीके से यहाँ पे म्यांमार आ गया जिसकी डिस्कशन हमने कल की, और यहाँ ये है अपना नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे ताइवान। इससे आप छोटू सा जो एरिया देखते हो यहाँ पे, ये रहेगा अपना हांगकांग, अपना यानी चाइना का ही है, हमारे नाम पे नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं हांगकांग छोटू सा रहेगा, वो डिस्प्यूट में रहता है, तो आपको उस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। अभी बात करेंगे यहाँ पे फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है ठीक है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, तो ये पूरा रीजन, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड, ये आपको जियोग्राफी एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे डिस्कशन होती है जब कभी भी इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत क्या हो जाती है, क्वाड की। तो क्वाड की समझने शुरुआत करते हैं, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज में पहले कौन था, इंडिया और अमेरिका, यूएस था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला है अमेरिका। अमेरिका कहते हैं भारत से दूर है, भारत से दूर नहीं, भारत से पास है। अगर भारत से आप इस साइड में जाते हो, वेस्ट साइड में जाओगे तो यहाँ से होके फिर आएगा, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो सीधा वही आएगा ठीक है। ये अमेरिका ही है, ये कैनेडा है, उसके ऊपर टेक्सास है ठीक है। वो आपको सारे जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको सारे जो कंट्री है उसके जियोग्राफिकल लोकेशन आपको पता होते जाएंगे। तो ये हो गया आपके लिए। फिर उसमें दूसरी जो कंट्री है वो है जापान, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जापान यहाँ पे ठीक है, आप देख सकते हैं ये जापान है। और उसके बाद अभी ये तीन हो गया, इंडिया, अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बनना चाहता है। क्यों, उसके बारे में बताया कि चाइना इस एरिया को ही अपना हथियाने का काम नहीं करता है, ये उस यहाँ से आगे बढ़ता जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही किरीबाटी आइलैंड है, वहाँ पे भी चाइना पहुँच गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी कहीं ना कहीं डर रखता है भाई, जैसे इंडिया के साथ ये जो LSC वाला और हमने अरुणाचल प्रदेश वाला जो मैकमोहन लाइन वाला जो इशू है वो हमने जैसे डिस्कशन किया, तो उस प्रकार से हमारे किसी रीजन को अपना बना के हमारे रीजन पे हथियाना ले, उसको भी डर था। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सोचा कि हम आपके साथ जो इंडिया मालाबार एक्सरसाइज जो करता है, नेवी एक्सरसाइज करता है, उसमें हमें भी पार्टिसिपेंट बना लो। इस पार्टिसिपेंट को, इस क्वाड को एंटी चाइना गिनता है ठीक है, चाइना के अनुसंधान, और अमेरिका भी इसी प्रकार से अपना व्यू रखता है ठीक है, इसलिए वो इस क्वाड फॉर्मेशन को ज़्यादा महत्व देता है। वो भी हमने डिस्कशन डिटेल में की थी। हालांकि इंडिया ने स्टैंड कर दिया है, इंडिया ने अपना पक्ष रख दिया है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट कोई एयरलाइंस ओपन नहीं कर रहा है, कोई गठबंधन बना नहीं रहा ठीक है। एक नेवल एक्सरसाइज ही है जिसका पर्पस सिर्फ नेवल एक्सरसाइज ही है, और जो यहाँ पे इंडिया और बाकी कंट्री के जो मिलिट्री बेस है और नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको चाइना अपने अगेंस्ट ना गिने।
ये बात इंडिया ने बताई थी, आपके लिए महत्वपूर्ण है, सारा रीजन आप देख लें, ठीक है। और बाकी बात करें तो यहाँ पे बात करें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये ईरान है, इराक है, ठीक है, यहाँ से आगे है, फिर ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये सारे रीजन आ गए, ऊपर आ जाएगा रशिया, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू। तो आपको मैप बता होना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ पे है उस प्रकार से। और इसके अलावा भी मैंने एक बार डिटेल में डिस्कशन किया था, वो था मलक्का स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, वो यहाँ है। इससे पहले जैसे ही आगे जाए तो अंडमान अपना मिलिट्री बेस आ जाएगा, चाइना क्यों उस पर इंडिया पे सीधा हमला नहीं करता, उसका रीज़न ये भी है क्योंकि चाइना का सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है और वो किसी रूट से जाता है, तो वो रूट यही है, ठीक है। उस रूट को यदि कोई विघ्न कर सकता है इस लाइन पे, तो सबसे पहले तो वो है इंडिया, ठीक है। इसलिए वो इंडिया को डरता भी है, लेकिन इसके लिए वो क्या करता है कि इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश है, जैसे हम ये भी डिस्कशन करेंगे, उनके साथ उनका भी रिलेशन रहता है, और उसको अपने साइड रखने के लिए कार्य भी करता है। दूसरा, चाइना इकोनॉमिकल साउंड है, तो अपने पैसे से भी कार्य करता है और अपनी कूटनीतियों से भी कार्य करता है, ठीक है। लेकिन इंडिया इतना उसके अगेंस्ट काम करता नहीं है जितना चाइना करता है। अभी सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, एक के बाद एक पॉइंट देख लेते हैं। तो अमेरिका और इंडिया ने 2+2 जो मिनिस्टरल डायलॉग थे वहाँ पे साइन किया है, और जो क्वाड है उसको फॉर्मेशन को लेके, क्वाड यानी जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड, जिसमें मैंने आपको बात किया था कि भाई इंडिया है, अमेरिका था, जापान था, फिर ऑस्ट्रेलिया जुड़ के चारों कंट्री एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, इंडिया को इकोनॉमिकल पावर हाउस बताया जा रहा है इन फ्यूचर, भाई इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में यदि कोई अच्छे से कार्य कर सकता है, अच्छे से कोई अपना प्रभुत्व बना सकता है, तो इंडिया है। दूसरा, चाइना के बढ़ते हुए दबदबा के डोमिनेंस को यदि कोई रोक सकता है, तो उसमें स्ट्रेटेजिकल लोकेशन और मिलिट्री बेस से कोई महत्वपूर्ण कंट्री है, तो वो है इंडिया। जो ये क्वाड फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हमने तो बता दिया कि हमने, जैसे मैंने बताया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा है, हम किसी भी अलायंस या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं बना रहे जो चाइना के खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है। हम एक अच्छी सी मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसी का हम भाग बनने जा रहे हैं, हम दूसरा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इससे क्या होता है, चाइना भी बौखला जाता है कि भाई देखो वहाँ पे अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, सारे चाइना के अगेंस्ट है। उसका कारण भी चाइना ही है, क्योंकि चाइना की जो स्ट्रेटजी होती है, जो कार्य रहता है, वैसे ही रहते हैं कि उसके साथ लोगों के, जैसे डेब्ट ट्रैप हो गया, फिर क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनेंगे, जैसे BR है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, कंट्री को जितना भी पैसा चाहिए होगा वो देंगे, फिर दे नहीं पाएंगे तो उसका कोई एरिया रीजन ले लेंगे, वहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस बनाएंगे, फिर उसको पूरे सालों के लिए अपने पास ले लेंगे, फिर वो एरिया ही कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो ये काम किया जाता है। हालांकि यहाँ पे जो मेनली फोकस है वो है जो रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप है, RCEP, इसकी भी मैंने डिस्कशन की है। क्या है कि भाई इंडिया इसके थ्रू जो एशियन रीजन है, ठीक है, वहाँ पे जितनी भी कंट्री है उसके साथ अपना इकोनॉमिकल रिलेशन अच्छे से कर सकता है। तो जैसे उसमें मैंने आपसे काफ़ी सारी बात की बांग्लादेश के बारे में, म्यांमार के बारे में, ठीक है, और हम दूसरे भी कंट्रियों की बात करें तो इंडिया अच्छे से चल रहा है। दूसरा, जो आसियान देश है वहाँ पे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया कार्य करना चाहता है, इंडिया का दबदबा रहे, ठीक है। अभी आसियान देशों की भी बात करें तो वहां पे भी इंडिया का पावर कम करने के लिए चाइना अपना कार्य, अपनी जो सोच है वो लड़ाता रहता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कहा यही जा रहा है कि भाई मार्केट है वो किसी एक का नहीं हो सकता, आप अपना कार्य कर रहे हो तो आपको भी कार्य या शेयर जरूर मिलता है। उस प्रकार से इंडिया अपना बेस से बेस देने की ट्राई कर रहा है। आप देख सकते हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में मैंने आपको जो कंट्री के बारे में जितनी भी लिस्ट दी है, तो वो कंट्री थे सारे से दिए गए, सब देख सकते हैं। आपको जब कभी भी जियोग्राफी का कोई भी टॉपिक आए, तो उस टॉपिक में कौन कौन सी कंट्री की बात हुई हो, वो कंट्री आपको मैप में पता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पृथ्वी है, तो आप समझ सकते हैं ये पूरा रीजन जो मैंने आपको बड़े लार्ज स्केल पे बनाया था, ठीक है, ये वही है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको दिखा दिया उस रीजन को, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैं जैसे बता रहा था, आपको इंडिया से इस साइड पे जाओगे तो यहाँ पे आगे आ जाएगा अमेरिका, यहाँ से हो सके दूरी है लेकिन यहाँ से नजदीक होगा, ठीक है।
वो आपको पता होगा। दूसरा सेम टॉपिक पे है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि अमेरिका और इंडिया के 2+2 जो थे, ठीक है, डायलॉग थे जिसमें तीन हो गए थे, एक बाकी था, वो था बे का, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेटेड एग्रीमेंट, वो भी साइन हो गया है, वो भी बिजनेस आगे बढ़ता है। और इंडिया ने उसके बाद सिक्योरिटी इश्यू पे बात की जो LAC पे चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। अब जो भी एक्टिविटी हो रही इंडिया के साथ, हम बात करें उरी पठानकोट, ठीक है, जो पाकिस्तान की साइड से होता है, या दूसरे से भी कश्मीर वाले में भी ऐसा हुआ है कि भाई चाइनीज जो भी भारतीय है या कंट्री है उसने पैसा फंडिंग किया हो, ठीक है, टेररिज्म को पैसा फंडिंग किया और उनके द्वारा कार्य करवाया गया हो, सिर्फ वहाँ पे भी नहीं बाकी सारी भी अपने, हमने सेम बांग्लादेश में भी टॉपिक डिस्कस किया था, तो इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई देखो आप ये लोग अपना इस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको ये बार बार परेशान करते हैं, तो हम इंटरनेशनल इकाई के लिए ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते, ठीक है, हो सकता है वो हमला करे और हम यूनाइटेड नेशन के पास जाए, हम दूसरे कन्वेंशन के पास जाए जहाँ पे ऑलरेडी वो अपना दबदबा दिखाएगा, ठीक है, अपना कार्य करेगा, इकोनॉमिकल पावर दिखाएगा, इससे अच्छा हम बार बार आपके पास नहीं आ सकते, इसका कोई ठोस कार्य होना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो पाकिस्तान लिबरल आर्मी है उसी पे कार्य करना पड़ जाए इंडिया वालों को, क्योंकि मैंने बताया है कूटनीति में चाइना को इंडिया बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, उसका कोई आधार ही नहीं है, वो करता खुद है, नाम दूसरे का दे देता, वैसे वो चलता भी। फिर ये टॉपिक आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करने का केस है, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, आपको पढ़ना होगा, थ्योरेटिकल ज्यादा है, कहना क्या चाहते हैं वो समझ लीजिए, जो मेन मेन चीज यहाँ पे मेंशन है उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले बात कि मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी का फेस इस्तेमाल करके उसका एक वर्चुअल फेस बनाया जाता है, वर्चुअल फेस बना के क्या करेंगे, उससे टैक्स पढ़वाएंगे, हमको क्या लगेगा, को उनका वीडियो आएगा, वीडियो में लगेगा नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि इंडिया ने चाइना के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी है, या 2000 की जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रही, ठीक है, आप आज के दिन ही जितना पैसा है वो बैंक में 2000 की नोटें जमा करवाओ, वरना फिर कल उसका कुछ नहीं होगा, तो लोग गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है, सोचने कुछ सोचेंगे नहीं और भागते भागते बैंक में चले जाएंगे, मेन का टाइम भी बंद हो गया होगा तो भी बैंक खोलवाएंगे, इससे क्या होता है, जो कोई साउंड व्यक्ति बेस्ट पर्सनालिटी उसका वर्चुअल फेस क्रिएट कर दिया जाता है और उस वर्चुअल फेस से बुलवाया जाता है, ठीक है, टैक्स के थ्रू, या वो अपने से एक इंसान होगा, मास्क पहन लेगा और उससे ही बोलेगा, इससे क्या होगा, हमको लगेगा नरेंद्र मोदी जी ही बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा बड़े बड़े जो साउंड पॉलिटिशियन होते हैं या कोई ऐसा सेलिब्रिटी होता है उसके साथ ऐसा होने का चांसेस ज़्यादा है कि उसकी जो आइडेंटिटी है उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दी जाए, ठीक है, ताकि क्या हो, लोगों में उसके लिए बुरा व्यवहार हो या कुछ भी जिसका पर्पज हो ऐसा हो, ऐसा करता कौन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जानकार है वो, और वो कर क्यों रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, यदि उसमें उसको कोई फायदा दिख रहा है या पैसा मिल रहा है कुछ भी तभी वो कर रहा है, तो इसको ये कहा जा रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो गलत चीज है उसको अच्छे से किया जा रहा है वो रोकना चाहिए। ये फिर आपको गुड न्यूज़ मिल गई होगी कि भाई अभी जम्मू कश्मीर में जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है उसको छोड़ के बाकी की जमीन कोई भी यदि खरीदना चाहता है अपने लिए तो खरीद सकता है, ठीक है, वहाँ पे रह सकता है, कार्य कर सकता है, ये न्यूज़ आपके पास आ गई होगी, हालांकि हमने डिस्कशन करके रखी हुई है तो उसको और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे एक मूवी के बारे में जो आपने देखी होगी, मूवी का नाम है तारे जमीन पर, यहाँ पे एक मेंटल डिसऑर्डर है उसको दिखाया गया है, उसी पे ये पूरी इंफॉर्मेशन भेज है, ये मूवी है तारे जमीन पर, तो यहाँ पे एक बच्चा आप देख रहे हैं, एक तो आमिर खान है, दूसरा जो बच्चा उसका नाम होता है मूवी में ईशान, ठीक है, इसको एक प्रॉब्लम होती है कि वो जो दो वर्ड होते हैं या स्पेलिंग होते हैं या तो नंबर होते हैं उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई न करने के कारण की वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम होती है याद रखने में भी और दूसरे बच्चों की तरह सीखने में भी। टीचर क्या करते हैं यहाँ पे, टीचर क्या कहते हैं कि भाई देखो इसको पढ़ना नहीं है, ध्यान से तैयारी नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन सच में उसको ये डिसऑर्डर है, वो दो
शब्दों को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, ठीक है। तो उनको आमिर खान टीच करते हैं बहुत अच्छी मूवी, स्पेशली एजुकेशन के बेस पे, कैसे याद रखना चाहिए, क्या चीज़ किस प्रकार से डिस्कशन करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो अच्छे से इसको फिल्माया गया है, इसी प्रॉब्लम को, ये जो मेंटल डिसऑर्डर है उसी को अच्छे से यहाँ पे फिल्माया गया है। मूवी अच्छी है, ना देखी हो तो देख लेना, अवेलेबल है अभी ऑनलाइन आपको माध्यम से मिल जाएगी। मैंने भी 5-7 बार देखी है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, और अच्छी मूवी है। और स्पेशल स्टूडेंट को लेके है कि भाई कैसे स्टूडेंट को बिल्ड करना चाहिए पहले से, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ काउंसिलर, सबसे अच्छी बात है। काफ़ी सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यही है कि भाई बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम होती है, जिसमें वो क्या करता है, वर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, वो जो कैरेक्टर है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसकी वजह से उसको लिखने में, उसको याद रखने में, उसको पढ़ने में सब जगह तकलीफ होती है। तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना ज़रूरी है, ठीक है। हर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, ऐसा नहीं होता, ऐसा इस मूवी में भी दिखाया गया है और यहाँ पे कंटेक्स्ट में भी वही बताया गया है कि इसका हमें इलाज कैसे करना चाहिए। अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जो कार्य हो रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये अपना इंटरनेशनल में बात करूँ आपसे, तो हमारे जो मैं आप हाँ हमारे जो पाकिस्तान के जो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, तो उनमें टसल चल रही है, फाइट चल रही है। तो आप देख सकते हैं इमरान खान की और आर्मी है और नवाज शरीफ के ओर से पुलिस है, ठीक है, दोनों आपस में लड़ रही है, देखते हैं कौन जीतते हैं। इन्हें कोई कार्य का है नहीं तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे नहीं, जो डिस्कशन करना है वो है एजुकेशन को लेकर, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। तो एक स्टडी हुई है, स्टडी में बताया गया रूरल एरिया के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई। क्या है इंफॉर्मेशन वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.3% जो स्टूडेंट है, ठीक है, जिनकी एज 6 से 10 साल, तो वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। दूसरा, उनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। 20% ऐसे बच्चे हैं रूरल चिल्ड्रेन, इनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन है 70% रूरल चाइल्ड नॉट लर्निंग एक्टिवली। एक्टिवली यानी कि भाई कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए, बच्चे जो पढ़ने चाहिए रेगुलरली उसके ऑनलाइन क्लासेस, वो नहीं। 70% यानी बहुत हो गया, बाकी कितने रहे, बाकी रहे इन सब परसेंटेज जोड़ रहे हार्डली 20-24% बाकी रहे। हालांकि हमने देखा हुआ है रूरल एरिया में ये सिर्फ 15% है। तो जो इंडिया अपना जो एनुअल कोई भी प्लान बनाया है और उसमें वो ऑनलाइन एजुकेशन को मान्यता दे भी दे, तब भी जो 6 to 10 ईयर के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो कंटिन्यूस अटेंडमेंट होना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस में, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में ये सारी बातें बताई गई, ठीक है। तो बाकी बातें तो नॉर्मल है जो मैंने आपसे डिस्कस की है, नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी का रोल क्या है, किस प्रकार से स्टूडेंट को अच्छे से कार्य करना चाहिए, और ऑनलाइन क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का दायित्व टीचर का भी है, तो टीचर को भी कैसे पढ़ाना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपसे डिटेल में कर चुका हूँ। इसके अलावा बाकी जो न्यूज़ है वो मेनली न्यूज़ बेस्ड है, करंट बेस्ड जो हमने कहीं ना कहीं डिटेल में डिस्कशन की हुई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई स्पेशल टॉपिक पे भी आप लेक्चर चाहते हैं तो भी बता सकते हैं, अटेंडेंस जरूर से दीजिएगा। आज की जितनी भी जरूरी टॉपिक थी वो मैंने डिस्कशन कर लिया, कल कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा तो उसको ज़्यादा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालांकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस नहीं होते उसकी हम डिस्कशन नहीं करते, पॉलिटिकल न्यूज़ की हम डिस्कशन करते नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।